हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है, उसका आज हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, उसको हम शुरू करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज ए जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स प्लानिंग है और रिसोर्स का उचित इस्तेमाल करना है। रिसोर्स प्लानिंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। हमारा जो देश है इंडिया, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे रिसोर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, जहाँ पे जो रिसोर्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी स्टेट्स आर रिच इन मिनरल्स। हमारे जो देश में बहुत सारे जो स्टेट है वो खनिजों में बहुत ज़्यादा रिच है, एंड डिफिशियंट इन अदर रिसोर्सेज, और दूसरे रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा उनके पास कमी है। सच एज झारखंड इज रिच इन मिनरल्स। जैसे कि जो झारखंड है वो मिनरल्स में रिच है, बट देर इज प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, एंड अदर फैसिलिटी, और दूसरे फैसिलिटी का। अरुणाचल प्रदेश इज प्लेंटिंग ऑफ वाटर। जो अरुणाचल प्रदेश है उसके पास बहुत ज़्यादा पानी है, बट लैक ऑफ अदर डेवलपमेंट। लेकिन उसके बाद और सब जो डेवलपमेंट का जो चीज़ है उसमें वो कम है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है, इसी कारण वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिड्यूस और कम्प्लीटली वैनिश्ड विद द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द जुडिकुअस यूज ऑफ रिसोर्स। यह तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे जो देश के जो स्टेट्स में है, उसको हम लोग कम्प्लीटली उसको हम हटा सकते हैं रिसोर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करके। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वह रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो चलिए इसको हम देखते हैं। रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट इन प्रॉपर डेवलपमेंट। रिसोर्स है वो प्रॉपर डेवलपमेंट में तब कंट्रीब्यूट करता है, ओनली विथ ए गुड प्लानिंग, जब हमारे पास अच्छा प्लान हो, कीपिंग द टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन इन माइंड। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है, उसको अगर हम ध्यान में रख कर अगर हम प्लान बनाएंगे, तब भी हमारा जो रिसोर्स है उससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल। जो रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, राइट फ्रॉम द इट फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसी वक्त से जो रिसोर्स प्लानिंग है वो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। जो ये पॉइंट है वो रिसोर्स प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मेकिंग द इन्वॉल्वमेंट्री ऑफ द रिसोर्स आफ्टर देयर रीजन्स वाइज आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री। मेकिंग द इन्वॉल्वमेंट्री, जो सूची है हमारे रिसोर्स का, उसका पहले हम अच्छी तरह से सूची बनाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे कि हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पे कौन सा रिसोर्स है। मेकिंग ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। जो हमारा जो रिसोर्स का जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग अपने टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे, हमारे स्किल से कंपेयर करेंगे कि हमारे जो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है कि नहीं, हमारा जो ये रिसोर्स है उसको डेवलप करने के लिए। मैचिंग ऑफ द रिसोर्स प्लान विद द डेवलपमेंट प्लान। जो रिसोर्स का जो प्लान है उसको हमारा जो डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे, अगर उससे अगर हमको फायदा होगा तभी हम उसको हम करेंगे, नहीं तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए इसको देखते हैं। ओवर यूज ऑफ द रिसोर्सेज क्रिएट द मेनी सोशियो इकोनॉमी प्रॉब्लम्स। दो रिसोर्स का ओवर यूज है उससे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहे हैं। मेनी लीडर्स एंड थिंकर्स हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बहुत सारे जो लीडर्स है वो यह सोचते हैं कि जो रिसोर्स है उसका उचित इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर वो अपना विचार हमेशा देते रहते हैं। गांधी जी ने बताया था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स। सभी के नीड्स के लिए जो रिसोर्स है वो एनफ है, मतलब पर्याप्त है, एंड नॉट फॉर एनी बॉडी ग्रीड। लेकिन किसी के लालच के लिए जो रिसोर्स है वो पर्याप्त नहीं है। ही थॉट डैट, वो सोचते थे कि एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट कॉज ऑफ डुप्लीकेशन एट द ग्लोबल लेवल। उनका यह सोच था कि जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उन्हीं के कारण जो हमारे जो वातावरण में है ये पोल्यूशन हो रहा है। ही बिलीव्स इन द प्रोडक्शन बाई द मास। वो प्रोडक्शन मास के मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसमें बिलीव करते हैं, एंड नॉट इन द मास प्रोडक्शन। जो मास प्रोडक्शन है उस पर बिलीव नहीं करते हैं। दस द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एट द वेरियस लेवल। इसी प्रकार जो रिसोर्स का जो बचाना बहुत सारे लेवल पर बिकेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, या बहुत जरूरी हो गया है। रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड ओनली विद देयर जुडिशियस यूज। जो रिसोर्स है उसको हम लोग बचा सकते हैं केवल उसका उचित इस्तेमाल करके। ठीक है,
हमारा जो अगला टॉपिक है वह लैंड रिसोर्सेज। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो लैंड है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लैंड सपोर्ट आवर लाइफ सिस्टम। जो लैंड है वो हमारे जो लाइफ सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। दस केयरफुल प्लानिंग ऑफ यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज नेसेसरी। इसी कारण जो लैंड रिसोर्स है उसको केयरफुल मतलब ध्यानपूर्वक उसका प्लानिंग करके उसका यूज करने की जरूरत है। इंडिया कंप्राइजेस ऑफ मेनी टाइप ऑफ लैंड। इंडिया में बहुत प्रकार के लैंड पाए जाते हैं। दीज आर माउंटेन प्लेटूस प्लेन एंड आइसलैंड। यहाँ पे माउंटेन्स है प्लेटूस है प्लेन्स है और आइसलैंड है। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। माउंटेन्स प्लेन्स प्लेटूस। माउंटेन्स अबाउट 30% ऑफ द लैंड इन इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन। 30% जो हमारे देश में जो लैंड है वो माउंटेन्स है। माउंटेन सपोर्ट द पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर। जो माउंटेन है उससे जो रिवर होता है वो फ्लो होता है। विच कैरी द फर्टाइल सॉइल। जो कि फर्टाइल सॉइल कैरी करता है। एंड फैसिलेट इरीगेशन एंड प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर। जिससे किसानों के खेत में इरीगेशन का पानी पहुँचता है और ड्रिंकिंग वाटर पहुँचता है। तो अगला जो है वो प्लेन्स है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड इन इंडिया आर फॉर्म ऑफ प्लेन्स। जो 43% जो लैंड है हमारे देश में वो प्लेन्स है। प्लेन्स प्रोवाइड द फैसिलिट फॉर द एग्रीकल्चर बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड हाउसेस एक्सेट्रा। जो प्लेन लैंड होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, बिल्डिंग्स वहाँ पे बनता है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बनता है और लोगों का वहाँ पे घर रहता है। प्लेटूस अबाउट 27% ऑफ लैंड इन इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेटूस। 27% जो लैंड है हमारे जो देश में वो प्लेटूस है। विच प्रोवाइड द मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। जो प्लेटूस होता है वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है, वहाँ पे फॉरेस्ट रहता है। ठीक है, हमारा जो ये अगला टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न्स ऑफ यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर लो और इसको एक बार पढ़ लो। लो इसको पढ़ लो, यहाँ तक है, इसको एक बार पॉज कर लो, यहाँ से है, इसको पॉज करो एक बार वीडियो और इसको पढ़ लो। उम्मीद है आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। चलो एक बार और मैं कर देता हूँ। ये लो पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको भी पॉज कर लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड द ह्यूमन फैक्टर बोथ। जो पैटर्न लैंड का होता है वो डिपेंड करता है दोनों पर, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, ये दोनों पर लैंड का जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है। क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज द फिजिकल फैक्टर। जो क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, सॉइल का टाइप है, ये सब फिजिकल फैक्टर में ये कंसिडर होते हैं। वाइल द पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रेडिशन, कैपेबिलिटी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज द ह्यूमन फैक्टर। जो पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, स्किल है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ट्रेडिशन है, कैपेबिलिटी है, ये सब ह्यूमन फैक्टर में काउंट होते हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ टोटल 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज डेटा। जो इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड का जो डाटा है, बट ओनली 93% लैंड ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अवेलेबल। लेकिन 93 जो परसेंट जो लैंड है जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के, वही हम लोग के पास अभी अवेलेबल है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए कि इन लैंड यूज डेटा हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम। जो लैंड का जो डेटा है वो आसाम को छुड़ा कर जो नॉर्थ में जो और सब जो जगह है वहाँ से अब तक कलेक्ट नहीं हुआ है। एंड द लैंड ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड द कश्मीर हैज़ नॉट बीन सर्वेड बिकॉज ऑफ द मैनी अनअवॉइडेबल रीजन। और जो लैंड जो ऑक्यूपाई किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा, वो भी अभी सर्वे नहीं हुआ है बहुत सारे रीजन के कारण। ठीक है, द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर इज डिक्रीजिंग। जो लैंड है जो परमानेंट पेस्चर का वो डिक्रीज होते जा रहा है। दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द ग्रेजिंग। ये ग्रेजिंग के लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा है। द टोटल नेट सोन एरिया इज नॉट मोर देन 54%। जो नेट सोन एरिया है जो टोटल वो 54% से भी कम है, इंक्लूडिंग द लैंड अदर देन द फेलो लैंड। अगर हम फेलो लैंड को भी इंक्लूड कर ले तब भी लैंड अदर देन द फेलो लैंड इज आइदर पुअर क्वालिटी और टू मच कॉस्टली टू कल्टिवेट। फेलो लैंड को अगर छोड़कर और भी कोई लैंड पर अगर हम कल्टिवेट करेंगे तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो बहुत पुअर है, या अगर हम वहाँ पे कल्टिवेट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को मैन्योर लगेगा, फर्टिलाइजर लगेगा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा कल्टिवेशन। दिस लैंड आर कल्टिवेटेड ओनली वंस और ट्वाइस इन टू और थ्री ईयर कंसिक्यूटिव ईयर। ये जो लैंड है वो 2-3 साल में 1 से 2 बार ये कल्टिवेट होते हैं। द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरीज वाइडली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दो पैटर्न है नेट सोन एरिया का, हर एक स्टेट और दूसरे स्टेट में वेरी करते रहता है।
वेयर द नेट जोन एरिया इज 18% इन द स्टेट लाइक पंजाब, जो स्टेट है पंजाब वहाँ पे जो नेट जोन एरिया है वो 18% है। इट इज़ ओनली 10% इन द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे मात्र 10% है। मेजोरम मणिपुर एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सजेस्ट डिफरेंस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि और स्टेट है जैसे कि मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान एंड निकोबार है, सच इससे बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो बन रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के आधार पर द फॉरेस्ट शुड बी 33%, जो फॉरेस्ट है उसको 33% होना चाहिए था अब द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, विच इज एसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो कि बहुत जरूरी है हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। बट द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज फार लेस देन द डिजायर मेजर, लेकिन जो इंडिया में जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उससे बहुत कम है। दिस इज बिकॉज ऑफ इलीगल डिफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट विच कैनॉट बी ओवरलुक्ड सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो पेड़ की कटाई है और जो डेवलपमेंट के लिए जो रोड बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस कारण जो हमारे देश में जो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अ लार्ज पॉपुलेशन विच इज ड्वेलिंग एट द फ्रेगमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एंड इट प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन द रिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है इसके कारण जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में आते हैं, पेड़ की कटाई करते हैं, वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, इससे भी जो डिफॉरेस्टेशन होता है इस कारण हमारे देश में जो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है। ठीक है, मोर ओवर कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, अगर हम बहुत समय तक एक ही लैंड पर अगर कल्टिवेशन करते रहेंगे विदाउट टेकिंग द मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज डिग्रेडेड देम, अगर उसको हम लोग डिग्रेड करने से नहीं बचाएंगे, दिस हैज रिजल्टेड इन द प्रीडिस्क्यूशन इन द सोसाइटी एंड द क्रिएटिंग द सीरियस प्रॉब्लम टू द इन्वायरमेंट, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने इसमें लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को टच कर दिया है। इसके बाद मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपके ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।